हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत 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 अच्छे होंगे। तो यहाँ मॉर्निंग का रूटीन स्टार्ट हो चुका है, तो आज का ब्लॉग शुरू हो रहा है मेरे लड्डू गोपाल को नहलाने से। तो यहाँ सारे भगवान जी को नहला दिया था और यहाँ नहला रही हूँ अब मैं लड्डू गोपाल जी को। तो बस इनका स्नान करा देती हूँ। जो कि ये भावनगर से आए, जो कि वहाँ का आम ना बड़ा फेमस है, केसर आम है ना, केसर आम है। और दो दिन से आए हुए हैं, थोड़ा सा उन्होंने कच्चा ही भेजा था। अगर पके हुए भेज देते तो खराब हो जाते ट्रेन में और बहुत जल्दी पक जाते, तो थोड़ा सा कच्चा है। दिखा दो जरा पास में, देख सकते हैं कितने सारे आम। तो मैंने यहाँ पेटी इसलिए रख रखी मंदिर में कि मैं भगवान को भोग लगा दूं, उसी के बाद बच्चों को सबको दूं। तो बच्चे आज मान नहीं रहे, वैसे ही पक गया है, दिखाओ, देखो ये है ना, और ये दब रहे हैं, तो मतलब पक गया है ये। तो मैं आज भोग लगा देती हूँ भगवान जी का, फिर बच्चों को दूंगी इसके बाद में। तो इस थाली में मैं निकाल लेती हूँ सारे आप, सारे तो नहीं आ पाएंगे, थोड़े ही ले लेती हूँ इसमें धोके। हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों क्या आपको पता है हमारी गट हेल्थ का अच्छा होना हमारे ओवरऑल हेल्थ के लिए कितना जरूरी है। सोचिए अगर हमारी गट हेल्थ ठीक नहीं होगी तो उसका हमारी बॉडी में क्या हाल होगा, आप सोच नहीं सकते। और अच्छी गट हेल्थ होगी तो डाइजेस्ट सिस्टम अच्छा होगा, उससे हम खाना अच्छे से डाइजेस्ट कर पाएंगे और उससे हमारा इम्यूनिटी सिस्टम अच्छा स्ट्रॉन्ग बनेगा। मैंने ये मंगाई है नेचर श्योर की गमीज, और इसके बॉक्स पे मत जाइए, ये मेरे बच्चों ने इसका हाल इस तरीके से कर दिया। आप सभी जानते होंगे जिस घर में छोटे बच्चे होते हैं तो कोई चीज़ ठीक नहीं रहती है, और काफ़ी ज़्यादा हम लोगों ने इसमें से खा भी ली। अभी बैक कैमरा करके आपको सारी चीज़ें बताऊंगी मैं। और कर्फ्यू से मैं बताऊँ आपको, ये हल्दी का मेन इंग्रेडिएंट होता है। हल्दी जो खुद एंटीबायोटिक है, तो मेन कंटेंट जो होता है हल्दी में कर्फ्यू होता है। सोचिए इससे कितने फायदे होंगे इसके। जस्ट अभी तो मैंने चाय पी है और इन्होंने नहीं पी है, तो ये आपके सामने इसको खा के दिखाएंगे। बहुत अच्छा इसका टेस्ट और फ्लेवर है, अच्छी है। हाँ, क्योंकि मॉर्निंग में और इवनिंग में इसको लेना रहता है। मॉर्निंग में आप सुबह ले सकते हैं और इवनिंग में एक ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस गमीज को अगर आप डेली कंज्यूम करते हैं तो ये आपकी गट हेल्थ को स्ट्रॉन्ग बनाता है और ये आपकी बॉडी में गुड बैक्टीरिया को भी इंक्रीज करता है, जो आपके लिए बीमारियों से लड़ने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। और दिस नेचर श्योर कर्कुमिन गमीज स्पेशली आपकी गट हेल्थ को इम्प्रूव करता है। बट इसके साथ साथ नेचर श्योर गमीज के और भी डिफरेंट वेराइटीज़ हैं, आते हैं, जैसे कि इम्यूनिटी बूस्टर गमीज हैं, इम्यूनिटी सिस्टम को भी अच्छा बनाने के लिए वायोटिन गमीज, हेयर स्किन एंड नेल्स के लिए भी, एप्पल साइडर विनेगर वेट को मैनेज करने के लिए भी, और शार्प आई साइड गमीज आपकी आँखों के लिए भी। तो फ्रेंड्स, आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी चूज़ कर सकते हैं, आप अपनी वेट के लिए, अपनी आँखों के लिए, अपनी ओवरऑल हेल्थ के लिए कोई भी गमीज चूज़ कर सकते हैं। तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, तो जल्दी जाइए, चेक करिए और गमीज को मंगाइए। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो यहाँ हमारे साथ में बैठे हैं हमारे मिस्टर, जो कि हमसे कह रहे हैं कि पसीना पोछ लिया करो जब ब्लॉग में आया। मैंने कहा पसीना नहीं है भाई, ये सीरम लगाया मैंने, जिससे थोड़ा सा स्किन में ऐसा लगेगा जैसे पसीना पसीने पर, नहीं, सीरम लगाया मैंने। और पतिदेव जी हमारा इंतज़ार कर रहे हैं कि जल्दी से जाके नीचे इनके लिए नाश्ता बनाऊँ, क्योंकि तैयार बैठे हैं ड्यूटी जाने के लिए। पैर कैसे दिखा रहे हो भाई, पैर तो नीचे रखो। ड्यूटी जाने के लिए बिल्कुल तैयार बैठे हैं कि पूजा पे से वो जल्दी उठ के आए तो हमें नाश्ता मिले। तो चलो चलती हूँ नीचे, आज इनके लिए पराठा बनाती हूँ, क्योंकि दही काफ़ी ज़्यादा रखा हुआ है तो सबको दही से आज पराठा दूंगी। परसों का भी मैंने दूध का जमा दिया था, और कल भी जो बचा हुआ दूध था तो उसका भी मैंने जमा दिया था। और आजकल ना गर्मियों में कोई दूध तो पीता नहीं है, तो इसीलिए मैं फिर दही जमा देती हूँ। आँखों के नीचे गड्ढे कैसे हो रहे हैं, नींद पूरी नहीं हो रही है मेरी। नहा लो जाके, नहाने के बाद ही नाश्ता दूंगी, देख लेना। चलो ठीक है, चलते हैं नीचे, आ जाओ पतिदेव जी।
ट्राइपॉड ले लूँ अपना छोटा वाला। सुनो नीचे आओ तो आम की पेटी ले आना, है ना? तो नीचे ले आओ, बाबा को दिखा दो, दादी को। तो फ्रेंड्स यहाँ मैं बनाने जा रही हूँ आज मेथी का पराठा, जो कि कसूरी मेथी इस्तेमाल करूँगी मैं, क्योंकि इस टाइम में मेथी कहाँ मिलती है। तो इस वाली मेथी के भी ना बहुत अच्छे पराठे बन जाते हैं। तो इसको मैंने ना 5 मिनट पहले ही पानी में भिगो दिया था, जिससे कि और खूब अच्छे से साफ़ हो गई थी, जिससे जैसे मिट्टी वगैरह हो ना तो वो नीचे बैठ जाती है। अब थोड़ी सी मैं डालूँगी इसमें हींग डालूँगी, थोड़ी सी अजवाइन डालूँगी, और यहाँ पर ये थोड़े से काले ब्लैक सीड आते हैं ना जो प्याज के बीच, वो डालूंगी। और यहाँ पे मैंने ठेसा लिया था, जो कि हस्बैंड रेडीमेड पैकेट लेकर आए थे, जिसमें लहसुन और हरी मिर्च का बना हुआ रहता है, तो वो मैंने डाला 1 चम्मच भर के। अब मैं डालूंगी 1 चम्मच भर के देसी घी, और स्वाद के हिसाब से नमक डाल दूंगी। थोड़ी सी इसमें डालूंगी मैं हल्दी, फ्रेंड्स मैं यहाँ पर अब लगा लूँगी आटा। आटा नॉर्मली जैसे हम पराठे का लगाते हैं, सेम उसी तरीके से हमें लगाना है। तो फ्रेंड्स सबसे पहला पराठा मैं यहाँ पर गाय का निकालूंगी। जब मैं अभी वॉइस रिकॉर्डिंग कर रही हूँ तब मुझे याद आ रहा है कि इसमें लहसुन मैंने डाला था, हरी मिर्च और वो लहसुन का पेस्ट जो रेडीमेड ठेसा बोलते हैं उसको, तो वो मिला हुआ था। पर लहसुन का कोई भी मतलब प्याज लहसुन का नहीं निकालते हैं गाय के लिए, तो भगवान से इसी वक्त मैं माफ़ी मांग ले रही हूँ, मुझे नहीं याद था। तो चलो अब उस टॉपिक को मैं ख़त्म करती हूँ और यहाँ पर पराठे बनाती हूँ। और बहुत अच्छे पराठे बने थे, सबके लिए बहुत अच्छे, सबके क्या मम्मी जी पापा जी नहीं खाए थे, बस हस्बैंड और बच्चों ने खाए थे, क्योंकि पराठा बनने से पहले पापा जी ने सत्तू खा लिया था, मम्मी जी ने भी सेम सत्तू खा लिया था, तो जिसकी वजह से फिर उनको भूख नहीं लगी थी। और यहाँ मैंने दही निकाल लिया है, जो कि मैं रात में रख देती हूँ, फिर सुबह मॉर्निंग में ही फ्रिज में रख देती हूँ, जिससे बहुत अच्छा बिल्कुल मक्खन जैसा दही जमता है। तो यहाँ देख सकते हैं सारी चटनी वगैरह निकाल के दे दिया है मैंने हस्बैंड को, और वो खा पी कर चले गए हैं ड्यूटी। तो अब मैं अपने लिए नाश्ता लेकर आई हूँ। तो यहाँ मम्मी जी बैठी हुई, मम्मी जी से मैं कह रही हूँ आप थोड़ा सा तो टेस्ट करके देखो, तो अनिक ने खा लिया, और मैं कह रही थी मम्मी जी वापस से बनाऊँगी तब आप खाना। और थोड़ा सा ना दही में मैं काला नमक डाल के ले आई थी, तो नमक वाला ही चला गया था, तो थोड़ा सा ज़्यादा नमक लग गया मम्मी जी को। तो बस मम्मी जी ने टेस्ट किया तो उनको बहुत अच्छा लगा। तो फ्रेंड्स उसके थोड़ी देर बाद मैंने अपने कपड़े वगैरह ऊपर डाले, बहुत सारे काम थे वो मैंने निपटाए, और ब्लॉग आज मैंने शूट नहीं किया उन कामों का। और यहाँ लास्ट में कुत्ते की रोटी जो बनाती हूँ वो सेक के रख रही हूँ, और दाल बन गई है। सबसे पहले आज मैंने रोटियाँ ही सेक ली थी, और बस जिस कढ़ाई में मुझे दाल फ्राई करनी थी तो उसमें मम्मी जी ने आम भिगो कर रख दिए थे, क्योंकि गर्मियों का सीज़न है ना, तो आम को थोड़ी देर पानी में अगर डाल के रखते हैं तो उसकी जो गर्मी है ना वो थोड़ी थोड़ी बहुत ख़त्म हो जाती है, नहीं तो वो चेहरे पर बड़े बड़े आम ही निकल के आ जाएंगे अगर ऐसा नहीं किया। कि और ज़्यादा खाना भी नहीं चाहिए आम, नहीं तो वो पिंपल्स वगैरह की दिक्कत हो जाती है। तो यहाँ पर मैंने अपनी दाल में तड़का लगा दिया है, दाल सिंपल राइस जीरा हींग से ही तड़का लगाया है, और आम की कली डाली है। मम्मी जी को खट्टा बहुत पसंद है, तो इसलिए दाल बनते वक्त ही उसमें मैंने कच्चा आम डाल दिया था, बस हरा धनिया डाल दिया है। अब इसी कुकर में मैं चढ़ा दूँगी चावल। तो पापा जी के लिए दे दिया है आगे खाना, और यहाँ मैं सबके साथ में खा रही हूँ खाना, क्योंकि मुझे फिर अकेले खाना खाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, तो इसलिए मम्मी जी को और इनको रोके रहती हूँ कि नहीं सब लोग साथ में ही खाएंगे। तो आ जाइए आप लोग भी, आज का खाना दाल चावल और आम है, दही है, और रायता भी है साथ अभी में। मैं खाना खाकर नीचे से आई हूँ, और बच्चे भी साथ में ही हैं, अनिक है, अनिक के पापा हैं, नायशा नहीं, नायशा पड़ोस में गई है छुटकी के साथ खेलने के लिए,
और कल आप लोगों के कमेंट पड़े थे, बहुत अच्छे आए थे। जब मैं वाटर पार्क गई थी, आप लोगों ने बहुत सारा प्यार दिया इस ब्लॉग को और इतने अच्छे अच्छे कमेंट आए थे। और कल एक कमेंट और आया था जिसमें लिखा था PZA करके उनकी आईडी है। एक सेकंड, ऐसे नहीं दिखाई देगा, मैं बैक कैमरा करके दिखा वाला कमेंट। PZA इनकी आईडी होगी। नाइस ब्लॉग, बट बच्चों को पब्लिक प्लेस पे कभी मारना नहीं चाहिए, चाहे जितना डांट लो। वी सैल्यूट रिस्पेक्ट। और इन्होंने काफ़ी अच्छा यहाँ पर ये लिखा है कि मेरी 20 साल की लड़की क्या है, बेटी है, लेकिन मैंने आज तक उसको एक थप्पड़ तक नहीं मारा। और बच्चों को ये महसूस हो जाए कि उसने गलती की है। एनीवेज, नाइस ब्लॉग, मैंने पूरा बीच बीच का पढ़ा है। तो फिर इसके बाद ये कमेंट पढ़ा, मेरे दिमाग में ऐसा बैठ गया था, मैंने नाइशा को बुलाया, क्योंकि एक दिन पहले चिक्की आई थी, उसकी फ्रेंड, और उसने ना मेरे पूरा आधे से ज़्यादा चिया सीड ज़मीन पर बिखेर दिए थे, तो भी मैंने उसको थप्पड़ मार दिया था एक। तो उस टाइम भी वो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल थी नाइशा, और काफ़ी देर तक ऐसी गुमसुम बैठी रही, बात नहीं कर रही थी, क्योंकि उसको ये बुरा लगा कि उसकी फ्रेंड के सामने, आजकल हो गए हैं बच्चे, आजकल पहले ऐसा कुछ भी नहीं था कि किसी के सामने मारो तो बच्चे बड़ा अंदर से वो बुरा मानते, पर आजकल है ऐसा। बिल्कुल आपने जो कहा है बिल्कुल सही कहा है, आजकल बच्चे बहुत मन में वो करते हैं। और मैंने 2-3 बार नोटिस किया है, किसी के भी सामने अगर नाइशा को मैं हाथ उठा दूँ ना, तो नाइशा घंटों ऐसे ही बैठी रहेगी और अंदर से रोती है, जैसे एक नॉर्मली बच्चा गिर जाता है वो वैसा रोना एक अलग होता है, अंदर से दुखी होकर रोती। तो फिर रात जब लेटे हुए थे हम लोग, हम और नाइशा हमेशा रात में, आगे से हटो, हमेशा नाइट में स्टोरी देख के ही सोते हैं हम और नाइशा, जैसे सर्वाइवल मूवी होती हैं वो उस तरीके से। अनिक तो सो गया था और ये हस्बैंड मेरे गए थे ड्यूटी पे, उस टाइम थे नहीं, तो हम लोग देख रहे थे स्टोरी। फिर मैंने नाइशा से धीरे से पूछा, क्यों नाइशा, मैंने तुमको वहाँ जैसे मार दिया था तो तुमको बुरा लगा? हाँ मम्मा, थोड़ा सा मुझे बुरा लगा, तुम ऐसे ना सबके सामने मत करा करो, फिर मुझे अच्छा नहीं लगता उस दिन आपने ऐसे। तो मुझे इतना बुरा लगा अंदर से, मैंने कहा ठीक है नाइशा, मैं किसी के सामने क्या, मैं कभी भी तुम पे हाथ नहीं उठाऊंगी, मैं प्यार से ही तुम्हें समझाऊँ। बच्चे आजकल बहुत ज़्यादा समझदार हो गए हैं, और कभी कभी हो जाता है, मैं उस टाइम इतना ज़्यादा घबरा गई थी वाटर पार्क में कि मैं आपको क्या बताऊँ, ऐसा लग रहा था कि मतलब जान निकल रही है, मैं हर तरफ उसको ढूंढ रही हूँ, और इतना मतलब डर गई थी अंदर से, कहीं उसको कोई पकड़ के तो नहीं ले गया, आजकल ऐसा होता है बच्चों को ले जाते हैं, मतलब दिल बहुत घबरा गया था। पर आपने जो ये कमेंट किया है उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद, मैंने इस पर काफ़ी ज़्यादा गौर किया और बहुत सोचा मैंने, मैंने कहा नहीं आपकी बात बिल्कुल सही है, और थैंक यू सो मच। ऐसे ही जहाँ पर भी कहीं गलत लगती हूँ वहाँ मुझे कमेंट करके बताते रहा करो, जिससे मैं भी अपनी कुछ कमियाँ हैं उनको सुधार पाऊँ। तो आज का ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। कल के ब्लॉग मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखें।